अनिल कान जी को कितने लोग जानते हैं? अनिल कान जी को एक बॉलीवुड के बहुत अच्छे सिंगर रहे हैं वो, हाँ पता है किसी को? आज वो प्रभु के सेविक हैं। क्या हैं? प्रभु के सेविक हैं। सेविक आज से 4.5 साल पहले उन्होंने प्रभु को जाना था, हाँ। और जब उन्होंने प्रभु यीशु को जाना, उसकी सच्चाई को जाना, तो वो हिंदू फैमिली से थे। और जब उन्होंने ऐसे यीशु पर विश्वास किया, तो उसकी शुरू में उसकी पत्नी ने देखा, ठीक है इनकी आदतें हैं, हाँ। जैसे रिसर्च, कई लोगों का स्वभाव होता है, मन होता है हर चीज की रिसर्च करना, उसे जानना इसमें क्या है, हाँ इस धर्म में क्या है, इसमें धर्म में क्या है, हाँ। जैसे अलग अलग धर्म है, हाँ, तो हम जानते हैं मसीह का कोई भी धर्म, और जिसने इस दुनिया को बनाया उसने कोई भी धर्म, सुनो ध्यान से, जिसने दुनिया को बनाया उसने कोई धर्म नहीं बनाया, ये इंसान ने बनाया। और जब उसने, अनिल कान जी ने, इस परमेश्वर की सच्चाई की खोज की, हाँ, तो उसकी पत्नी, उसने कहा ठीक है इनकी आत्या छोड़ देंगे थोड़ी देर। पर जब वो मैंने उनकी एक वीडियो को देखा, और उसकी पत्नी ने कहा ऐसे कि इनकी धीरे धीरे इनकी रुचि यीशु मसीह के उस चीज के लिए बढ़ती गई। और वो कहती मुझे ऐसे घबराहट होने लगी कि हैं लोग क्या कहेंगे कि अपना धर्म छोड़कर ये किस तरफ चल गए। कहती मैं बहुत परेशान होगी। जब ये इनकी रुचि यीशु मसीह में ज्यादा बढ़ने लगी, क्या लगी? कहती फिर जब इन्होंने मुझे बताया कि यीशु मसीह कौन है और वो क्यों इस दुनिया में आया, कौन है और वो क्यों इस दुनिया में आया, समझ आ रही? उसकी पत्नी ने कहा कि जब इन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, समझाया, हाँ, कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए है, हाँ, क्या है, कहती मुझे फिर मैं तो क्लियर होगी। मेरी बेटी थी वो बहुत इस चीज से अपसेट थी, वो सोचने, उनकी बेटी कहने लगी ये मम्मा और पापा ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, किन चीजों में फंस रहे हैं, हाँ, इन्हें क्या हो गया इनकी बुद्धि को, हाँ। फिर उनकी बेटी ने भी कहा जब मुझे पता चला, आज वो, हाँ, एक उनकी बेटी एक बेटा है, और वो खुद दो जाने, और वो चारों मिलकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, सेवा चारों मिलकर किसकी सेवा कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, समझ आ रही है? उन्होंने अपना जीवन किसको दे दिया, हाँ, किसको दे दिया? अरे वो बॉलीवुड सिंगर थे, बॉलीवुड समझ ना, ये जो हिंदी फिल्में जो बनती हैं, उनके जो सॉन्ग्स हैं, जो गाने हैं, जो उनके पिक्चर में जो गाए जाते हैं, उसका गाने का ऐसे उनका काम था, समझते? वो खुद लिखते भी थे, क्या करते थे, खुद लिखते भी थे, हाँ। और ऐसे नहीं, बहुत पैसा था उसमें, क्या था, बहुत पैसा। पर जब उन्होंने यीशु मसीह की सच्चाई को ऐसे जाना, सब कुछ छोड़ दिया, हाँ, जब उन्होंने छोड़ दिया, तो उनकी पत्नी ऐसे कहने लगी हमारा कैसे गुजारा चलेगा, कैसे होगा, हाँ, अगर ऐसे रहा। आराज खुदा ने उन्हें इतना ब्लेस किया, किसी चीज की कोई कमी नहीं, हाँ, ना किसी चीज की कोई कमी नहीं, हाँ। इसलिए यहां पे इस पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी उनके लिए बड़ा धन है। स्वर्ग में भी क्या है, बड़ा धन है, बड़ा धन। और परमेश्वर ये धन सच्चे लोगों को, जो उसे अपने जीवन में प्रिय जानता है, प्रिय, जो लोग उसे प्रिय जानते हैं, हाँ, कि हमारे पापों के लिए कौन क्रूस पे मारा गया और गाड़ा गया, हाँ, उसकी मृत्यु को जो प्रिय जानते हैं, हाँ, उन्हें इस पृथ्वी पर भी खुदा हर चीज से ब्लेस करेगा, और स्वर्ग में भी, हाँ, इस पृथ्वी पे भी और स्वर्ग में भी, समझ आ रही है? पर ये अपना जीवन देने, जब हम अपना जीवन परमेश्वर को अर्पण करते हैं, देते हैं,
जब तक हम अपना जीवन पूरी तरह से समर्पण नहीं करते तब तक कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। और कितने लोग हैं अपनी बुद्धि से ही अपनी सोचते रहते हैं, हाँ, क्योंकि समर्पण नहीं करते अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से, तरीके से, हाँ, ऐसे करके देखते हैं, वैसे करके देखते हैं, तो अपनी बुद्धि से वो सब चीजें करते रहते हैं तो कुछ कोई रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि बुद्धि से नहीं। परमेश्वर ने कहा मेरा काम न बुद्धि से, न बल से, न शक्ति से, मेरा काम मेरी आत्मा से होगा। कैसे होगा? और जब तक आप आत्मा की बातों में नहीं होगे परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर ऐसा है क्योंकि वो नियम और कानूनों का परमेश्वर। अब सारी उम्र ऐसे निकल जाए आपकी, अब कब्र में भी चले जाओ परमेश्वर तब भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो कानूनों का, नियमों का परमेश्वर। बोलो क्या? जब अपने आप को फिर तैयार करोगे कि आज के बाद मैंने कोई गलती नहीं करनी, कोई पाप नहीं करना, हाँ, क्या करना है? मैंने कोई गलती नहीं, कोई पाप नहीं करना, आज से मैंने पूरी तरह से किसके साथ चलना है, उसकी हर आज्ञा को मानना, मैंने सबसे प्रेम करना है, हाँ, मैंने सब चीजों को करना है। समझ आ रही है? और जब आप ऐसे करोगे फिर देखना, क्या करना? फिर देखना आपकी लाइफ, आपका जीवन कैसे होगा। सोचने से, अपने जीवन को समर्पण करने के बाद, हाँ, देखो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए। क्या उठाए? अपना क्रूस। क्योंकि जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे योग नहीं। क्या वो मेरे योग? और उन्होंने बताया कि मुझे आज 4.5 साल हो गए और 4.5 साल में एक दिन भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि क्या होगा आगे, मेरे साथ आगे क्या होगा। एक दिन भी 4.5 साल में उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्या होगा। और बढ़ते गए उसके प्रेम में, उसकी बातों में, उसकी सच्चाई में, हाँ। और जितने लोग बढ़ेंगे वो ही ब्लेस्ड जीवन जिएंगे। मैंने कहा जितने लोग उसकी सच्चाई में, जैसे यीशु मसीह ने कहा जितने उसके राज्य और सच्चाई की खोज करेंगे, हाँ, क्या करेंगे? खोज करेंगे, खोज उसे जानेंगे। जिन चीजों को वो ढूंढते संसार में वो सब चीजें उन्हें मिलेगी नहीं, उनके पीछे पड़कर उन्हें मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? उनके पीछे पड़कर उन्हें मिलेंगी और परमेश्वर आपको देगा। क्या करेगा आपको? आपको चंगाई चाहेगी, चंगाई आपका पीछा करेगी। आपको कोई भी आशीष चाहिए, आपको जॉब चाहिए, घर चाहिए, कुछ भी चाहिए परमेश्वर से, वो चीजें आपके पीछे पड़ेंगी। हाँ, क्या पढ़कर मिलेंगी आपको? पीछे पढ़कर मिलेंगी।